चलो अब अपन लोगों ने कल जीपी वैसे कर ही लिया है, अब अपन लोग, अच्छा 17th क्वेश्चन, एक संख्या, यस देख क्या दिया हुआ है तेरे को। पहले दिन 5,000 लोग हुए, 12 दिन बाद 10, फिर 20,000, करते करते डबल हुए जा रहा है। कॉमन रेशियो तेरे को तेरा 2 पता है, तेरे को पूछा है 50% ऑफ ये कब हो गए, मतलब 256,000 नहीं क्या 25,60,000 जो भी हो रहा है, 256, हाँ 2,56,000, ये कब हो गए। तूने ये फॉर्मूला लगाया, इसे एन तेरा 10 आ गया। तो देख ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसके बीच में कितने ब्लॉक्स हो गए, तो उसके बीच में से 9 ब्लॉक्स हो जाएंगे, 9 ब्लॉक्स ऑफ 12 डेज, तो 108 दिन बाद हो रहा है। अब ये देखो, अब तुम लोगों ने जैसे एपी में एएन और एसएन पढ़ा था ना, वही जीपी में भी एएन और एसएन होता है। तो पहले अपने एस एन का फॉर्मूला देख लो। ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या तो ये, या ऊपर नीचे मैं माइनस वन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये और ये का सीक्वेंस पलट जाएगा, तो दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। मेजरली ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं ना अपन लोग, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी हो, इसका मतलब क्या क्या, या तो वन से बड़ी हो या माइनस वन से छोटी हो। और ये कब यूज़ करते हैं अपन लोग, जब मेरा आर वन और माइनस वन के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही तब ये ऐसे ही यूज़ करना है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं ना। अगर मान लो मेरा रेशियो, कॉमन रेशियो था 0.5 और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये फॉर्मूला में, तो डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव बनता है, फिर नेगेटिव साइन को ऊपर भेजना पड़ता है, फिर चेंज करना पड़ता है, उसी जगह पे वो यहाँ पे आ जाता है कि तेरा 0.5 था ना कॉमन रेशियो, तो तेरे लिए पहले वो करके मैंने इसको पॉजिटिव करवा दिया। आपको कोई एक ही फॉर्मूला भी याद है तो भी आपका हमेशा आंसर सही आने वाला है, ठीक है। एक तो ये, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है, बट आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमेशा नहीं निकाल पाओगे। आप कब निकाल पाओगे, अगर आप लोगों का कॉमन रेशियो माइनस वन से लेके वन के बीच में ही है तो, यानी उससे ये फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, उस पर स्ट्रेस मत लगाओ तुम लोग, ठीक है। ऐसा क्यों, बट देखो अगर मेरा रेशियो 2 होता तो 2 का डबल 4, 8, 16, 32, 64, करते 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 1024, 2048 बढ़ते जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स में आगे जाऊंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका सम भी तो इनफाइनाइट होता था, तो कोई सेंस नहीं आ रहा उस चीज़ का। यही अगर मान लो मेरा कॉमन रेशियो मान लो 1/2 है, ठीक है, तो पहला नंबर 1, फिर 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, 1/1024, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0 होना शुरू हो जाएंगे, इतने बड़े 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 नंबर से कोई 0 जैसा होना शुरू हो जाएगा, तो ये सब हम उसको इज्जत नहीं मिलेगी। तो ऐसे इस पे अपन लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, अगर कॉमन रेशियो मेरा ये ऐसे वाले फॉर्मेट में, तो एस इनफाइनाइट इस ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला भी और ये भी लिख दो और यहाँ पे लिख दो, इस समय पे हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कब निकाल सकते हैं, जब हमारा ये ऐसे फॉर्मेट में हो, तो ठीक है। लिख लिया है, तेरे पास पलक 2 व्हीलर है, तू कैसे ट्रैवल कर रही है तू, और स्कूल कैसे आती है ऑटो, क्या बोली बेटा तू, नहीं इसका एक जीएम भी आएगा जो भी इजी से,
चलो अभी अब ये देखो, ये फाइंड द सम ऑफ दिस अप टू एट टर्म्स, इसने कुछ बोला ऐसा लगा ना, कोई है ही नहीं मीटिंग में, पता नहीं, नेवर माइंड। ये देखो अप टू एट टर्म्स तुमको ऐसा सम निकालना है, तुमको ए पता है, तुमको आर पता है, तुमको एन पता है, तुमने फॉर्मूला में डाल के कर सकते हो। तुम चाहोगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला ये वन माइनस ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू देख लो, तुमको यहाँ पे ए पता है, तुमको यहाँ पे आर पता है, तुमको यहाँ पे ए एन पता है, तो इससे तुम एन निकाल पाओगे। तुमको ए पता है, आर पता है, एन पता है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे। बेटा जैसे आप लोगों को ना ए पी में एस एन का था एन बाई टू ए प्लस एल, यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है उसका कि लास्ट टाइम पता है तो उसका फ़ायदा हो जा रहा है, एन है वैसे बट अपन यूज़ नहीं कर रहे उसको बेसिकली, मैं बोलना तुम्हें। हाउ मेनी टर्म्स नीड्स टू बी टेकन, ठीक है, तुमको ए पता है, तुमको आर पता है, तुमको एस एन पता है, तुम एन निकाल पाओगे फॉर्मूला से। गिवन अ जी पी विथ ए, तुमको ए पता है, तुमको ए सेवन पता है, मतलब ए आर की पावर सिक्स पता है, तो उससे आर की वैल्यू पता है, तुम एस सेवन निकाल पाओगे। ये मांग रहा है वो टू इनफाइनाइट टर्म्स प्रोडक्ट में का, तो पहले मैं प्रोडक्ट वो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन वाला रूल लगाऊंगा, तो वो ये बन जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। क्या मैं इन सब का जी पी से सम निकाल सकता हूँ इनफाइनाइट जी पी वाले फॉर्मूला से? एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, तो वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू मतलब वन हो गया, समझे चीज़। तो तेरा एस इनफाइनाइट, ऐसे ये एस इनफाइनाइट नहीं, वो ऊपर वाला जो है वो सेवन की पावर वन बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू सेवन, समझे क्या हो रहा है। तुमको कॉमन रेशियो पता है यानी आर पता है तुम लोगों को, तुमको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी पता है, एस इनफाइनाइट इज ए अपॉन वन माइनस आर, तुमको ये पता है, ये पता है, ये ढूंढ कर निकाल लोगे तुम लोग अभी। फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी हुज फर्स्ट टर्म तुमको पता है, तुमको फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब पता है तुम लोगों को, मतलब आर पता है तुम लोगों को, ए पता है, आर पता है, तो तुम और एन पता है कि नहीं, एन तो जरूरत नहीं पड़ती इनफाइनाइट टर्म्स, तो तुम एस इनफाइनाइट ढूंढ लाओगे, ठीक है। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जी पी इज ये उस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर ये एंड ये, तुमको ए पता है, तुमको आर पता है, तुमको एस एन पता है, तुम एन ढूंढ पाओगे, तुम एन ढूंढ पाओगे तो फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है, तुम ए एन भी ढूंढ पाओगे, समझ में आ रहा है। देखो फॉर्मूला पता है, ये सब चीज़ों की मेच्योरिटी तुमको सब चीज़ों की है, इतना इशू नहीं है इन चीज़ों का तुम लोगों को। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी, चलो ये वाला एक बार रुक जाओ, ये एग्जाम्पल नंबर नाइन बहुत प्यारा है, ठीक है, एग्जाम्पल टेन रुक जाओ, एग्जाम्पल इलेवन तो हो जाएगा, ट्वेल्व भी हो जाएगा, थर्टीन इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, पहले अभी आप लोग ना फट से एग्जाम्पल नंबर एट तक के कर लो, वन से एट, और मैं शरीयू के लिए अभी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, वरना वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी बड़ी दिखती है वो, ठीक है ना। तो शरीयू व्हेनेवर यू विल सी दिस थिंग बेटा, यहाँ पे पॉज करके प्लीज़ पहले वन टू एट कर लेना, ठीक है, फिर अनपॉज करके आगे का देखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन, ठीक है, मन में पड़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निधि एक बार वो लीफ के कर ले बच्चा, एक बार देखो क्या दिया हुआ है। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें जो बाद वाला टर्म है दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स उसके पहले जो है, ठीक है। देखो अब अगर मान लो मेरा टेंथ टर्म की बात कर रहा हूँ, मेरा टेंथ टर्म इज गोइंग टू बी टू टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स, मेरा इलेवेंथ टर्म जो होगा टू टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स, ठीक है। तो वैसे ही मेरा एनएथ टर्म क्या हो जाएगा, ए नहीं नहीं सॉरी, ये मैंने गलत बोले क्या, सो सॉरी, इफ ईच टर्म ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ना ए टेन अगर है तो टू टाइम्स ए इलेवन से लेके ए इनफाइनाइट तक के गए, सॉरी वो, ठीक है ना। ए फिफ्टीन बोल रहा हूँ अगर मैं तो टू टाइम्स ए सिक्सटीन ए सेवनटीन ए एटीन ए नाइनटीन तक के इनफाइनाइट तक के का,
ये ऐसा है, ठीक है। तो बच्चे लोग मेरा ए एन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स उसका नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म, करते 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 इनफाइनाइट टर्म्स का क्या हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखो इसका मतलब कितना हो रहा है बच्चे लोग मेरा, देखो पहले तो ये एक समझोगे, हाँ ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स मेरा एन एथ टर्म की वैल्यू, एन प्लस वन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन, एन प्लस टू एथ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन, ये हो जाएगी ए आर की पावर एन प्लस थ्री माइनस वन, ये है चलते जाएगा करेक्ट है ना, ये ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू टाइम्स, ये सब में से ए कॉमन निकल तो कट जाएगा मेरा, और साथ ही साथ में आर की पावर एन भी कॉमन निकल रहा है मेरा, क्या चाहे वन प्लस आर की पावर एन, नहीं आर की पावर एन नहीं सॉरी आर की पावर टू आर क्यूब, ये बन रहा है बच्चा लोग मेरा। देखो ए से ए कट गया है तो ये यहाँ पे अगर भेजूँगा मैं तो आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर की पावर एन था तो ये माइनस एन इज इक्वल टू टाइम्स, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलो ए अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा, ये कटा तो वन बाय आर इज इक्वल्स टू टू अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस आर इज इक्वल टू टू आर, वन इज इक्वल टू थ्री आर, तो आर की वैल्यू वन बाय थ्री हो रही है, समझे चीज़ क्या हुई है। ग्रेक तेरे को ये चीज़ समझ गया, ये क्या हुई है, हाँ नहीं क्वेश्चन का मतलब क्या है, तेरा कोई भी टर्म जो है जीपी का दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स आगे के जितने टर्म्स हैं उनका सम, तो अगर एन एथ टर्म है तो दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स सम ऑफ एन प्लस वन एथ टर्म, एन प्लस टू एथ टर्म, एन प्लस थ्री एथ टर्म, करते करते इनफाइनाइट टर्म सकेगा, ठीक है। तब देख इसकी जगह तो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, टू की जगह पर टू लिख सकता हूँ, इस जगह पर ये लिख सकता हूँ, देख ले इस जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, ख़त्म। फिर सॉल्व करना है उसको वहाँ से कॉमन निकाल के, ठीक है। अब ये देखो तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, 10 पे, तुमको सम ऑफ का मतलब पता है, ठीक है। k इक्वल टू 1 से लेके 11 का मतलब समझता है क्या, पहले k की वैल्यू 1 डालो, k की वैल्यू फिर 2 डालो, k की वैल्यू 3 डालो। तो देखो मान लो अगर मेरे को ऐसा लिखा है सम ऑफ 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक के, सबसे पहले मेरे को n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी प्लस, अब n के लिए 2 डालनी पड़ेगी मुझे, अब n के लिए 3 डालनी पड़ेगी मुझे, समझा तुम्हें। तो वही देखो अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक का डालनी है, तो पहला ब्रैकेट होगा 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3, 2 प्लस 3 की पावर 11, ठीक है। ब्रैकेट खोलूँगा सब 2 2 2 2 2 2 कितनी बार है, 11 बार है, तो उनका सम तो 22 हो चुका होगा मेरा, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 11, ये तुम्हारा जीपी बन रहा है, फर्स्ट टर्म 3 कॉमन रेशियो 3, इसका वैल्यू निकाल के कर सकते हो। सेम तुम्हारा यहाँ पे होगा, देखो पहला ब्रैकेट हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, दूसरा होगा 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 की पावर n माइनस क्या कहते हैं 2 की पावर n, यहाँ तक ठीक है। सब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एक ब्रैकेट में डाला मैंने, वहाँ से माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 था, उसमें माइनस कॉमन निकाल के 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 निकाला, ये एक जीपी बन गया, उसका आंसर अलग निकलेगा, ये एक जीपी बन गया उसका आंसर अलग निकल जाएगा, ये हो गया बेटा लोग एग्जांपल नंबर 10th। अब 11 देखो, कुछ नहीं तुमने पहले इसको ओपन किया होता तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना होता, दूसरा वाला क्या बन गया होता मेरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करते 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 nth टर्म तक तुम जाते थे अपने, ठीक है। अब इसको ब्रेक करूँगा मैं, ये सबको उठाऊँगा मैं, तो देखा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, वो करते करते nth टर्म तक के करेगा, ये 2 2 2 2 2 2 2 2 n टाइम्स आएगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स की पावर 4, 1 बाय एक्स की पावर 6, ये भी n टाइम्स रहेगा, ये तुम जीपी से कर सकते हो,
ये 2n तो वैसे रहेगा, ये तुम जीपी से कर सकते हो खत्म। ये इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, वो एन टर्म्स है, और उसका कोई इनफाइनाइट का फॉर्मूला मत लगा देना, फाइन। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार का तुम छोड़ दो, ये क्वेश्चन काम का नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 एंड आगे का अपन लोग नेक्स्ट टेस्ट में करते हैं, क्योंकि उसके आगे ना वो एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चा लोग कहें, ये वाला, ठीक है। इसके काम होता है वर्डेड प्रॉम्प्ट्स करा देता हूँ, वो फुद्दूस है। क्योंकि अ मैन सेव्स 500 रुपये पहले महीने में, अगले महीने में डबल सेव कर रहा है वो, तो अगले महीने में और 1000 सेव किया, फिर 2000 सेव कर रहा है। तो बेटा ये ऐसा उसने कब तक किया? पहले 6 महीने के लिए किया, ठीक है। तो छठवें महीने में, फिर सातवें महीने से उसने क्या किया? जितना उसे छठवें महीने में किया, उसे 500 500 500 रुपये कम सेव करना शुरू किया। तो छठवें महीने में कितना सेव किया अपन वो निकाल लेते हैं। A6 इज इक्वल टू A r की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 होता है 32, करेक्ट। 32 5 होता है 160, ठीक है। तो वो हो जाएगा 160 और 00, 16000 सेव कर पाया था। ये 6th मंथ में था, 7th मंथ में उसने कितना किया बच्चा लोग? 15500, 8 मंथ में 15000, ऐसे कर करके बढ़ रहा है वो। फाइंड द टोटल सेविंग फॉर द ईयर, ये 12वें महीने तक के कर रहा होगा। तो पहले ये 6 टर्म तुम्हारे जीपी बन जाएंगे, फिर नेक्स्ट 6 टर्म तुम्हारे एपी बन जाएंगे। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगाओगे। निधि समझ रहा है बेटा? अब ये 18th वाला देखो। अच्छा लो, एक ऑब्जेक्ट का 6 अपैल 64 ग्राम है, उसका हर 8 घंटे में आधा हुआ जा रहा है वेट, ठीक है। बताओ कब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा? तो देखा जाए लाइफ में कभी भी जीरो नहीं होगा वैसे, ठीक है ना। वो 1 ग्राम पे आएगा, फिर आधा ग्राम, फिर 0.25, फिर 0.125, फिर 0.0625 जैसा कुछ, फिर और 0.00000012 ऐसा कुछ होगा। जीरो कभी भी नहीं होने वाला है वो, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट वाला हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम लोगों का क्या हो जाएगा? ये तुम्हारी एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा एस एन दूसरे क्या, एक संख्या एक संख्या, ये 64 था, ये 1 वैसे, एक संख्या एक संख्या। हाँ अब देखो, पहले सॉरी पहले हाँ वही है, पहले 8 घंटे में हो रहा था, फिर ये 4 घंटे में, फिर 2 घंटे में हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। तो पहले के 8 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 1/2 घंटे। मुझे इसका सम निकालना है बेसिकली, ठीक है। कितना टाइम लग रहा था उसके लिए? ये 19th वाला ईजी है। एक इक्वल ट्राइंगल है जिसका साइड 24 दिया गया आप लोगों को, इनके मिड पॉइंट ज्वाइन किया, तो ये भी एक इक्वल ट्राइंगल बनेगा जिस साइड के हाफ हो जाएंगे, 12 12 12। फिर एक और इक्वल ट्राइंगल किया है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम तक कर रहा हूँ। सबका पेरीमीटर ढूंढना है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? 72 होगा, 24 इंटू 3। दूसरे वाले का 12 इंटू 3, फिर उसके बाद आएगा 6 इंटू 3, करते करते इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। ए पता है, आर 1/2 पता है, तुम निकाल सकते हो उससे तुम्हारा सम। 20th देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लो 20th एग्जाम्पल तुम लोग। क्या बेटा? हाँ देखो, नहीं ये इनफाइनाइट वाला तो है वो, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पहले मेरा एक बॉल 240 सेंटीमीटर हाइट से गिरा, तो उसने को 240 सेंटीमीटर कवर किया होगा, फिर वो उसका 450 ऊपर गया, ठीक है। तो 2240 का 450 कुछ होगा, वो उतना जाके नीचे आएगा, फिर ये जितना गया तो उसका वापस 450 ऊपर जाएगा, ये 450 का 450 गया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा इसके लिए ये, फिर इसका और 450 गया वो, जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा। तो अब आप लोगों का जीपी बन रहा है, बट उसमें ये इंक्लूड मत करना, तो जीपी आप लोगों का बन जाएगा पूरा का पूरा, समझा। वो पूरा का जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल लोगे, प्लस 240 कर लोगे आप लोग, तो आपको टोटल बॉल कितना ट्रैवल हुआ है वो मिल जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट डिसलरेट सच दैट, पहले वो 60 मीटर्स का था, फिर 20, फिर इतना, बताओ उसको रेस्ट आने के पहले कितना ट्रैवल कर रहा है? तो तुम लोगों का ये जीपी बन रहा है, ऐसे इनफाइनाइट निकालना तुम लोगों को, खत्म।
2022-23 ये बचे फालतू के, करना है कर लेना ठीक है। तुम लोग जो जो क्वेश्चन अभी कराए हैं बताए है, 21, 20, 19, 18, 17 वो पूरे के पूरे ये हुआ था नहीं चाहिए तो भी आया अपना, हाँ सॉरी। और ये यहाँ पे टिल 11 कर लेना होमवर्क ठीक है ना, यहाँ पे टिल 11 और वहाँ पे 17 से लेकर आखिर तक जितने तुम कर सकते हो। कल के सेशन में अपन लोग ये तो ख़त्म इजीली कर ही लेंगे, साथ ही साथ में अपन देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन डायरेक्टली है या सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन है, हाँ इन दोनों का रिलेशन वाला है ना। हाँ ये पूरा ख़त्म नहीं होगा बट मेजरली अपना हो सकता है ख़त्म हो जाए कल के सेशन, फिर एक छोटे सेशन में और अपन बचाओ कंप्लीट करके PNC शुरू कर लेंगे। तुम पहले बोलो PNC करना है सेट्स करना है, सेट्स है ही नहीं ना, तो PNC से अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है ना। तो ये बच्चे लोग ये प्लीज़ करके रखना।